हेलो गाइस, आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। उसका नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर है, जो ए से स्टार्ट होता है, ए के बाद बी सी डी, ऐसे जो ऑर्डर वाइज आते हैं उस हिसाब से हमें वर्ड्स अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। Write the names of the following parts of the body in an alphabetical order. यहाँ कुछ parts of body के words दिए हैं, जैसे कि N E C K neck, C H W E K cheek, E Y E eye, A R M arm, L E G leg, F W O T foot, S T O M A C H stomach, M O U T H mouth. इनको हमें alphabetical order में अरेंज करने हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जो ई से जेड तक के जो लेटर है उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से। अगर पहले इसमें से अगर ए वाला कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हमें वो पहले लिखना है। तो फर्स्ट देखो हम चेक करते हैं, यस ये ए आर एम आम, तो यहाँ ऑलरेडी आम लिखा हुआ है। ए के बाद क्या आता है? बी। बी वाला कोई वर्ड है? चलो नहीं है। बी के बाद क्या आता है? सी, तो सी वाला ये रहा चिक, सी एच डबल ई के चिक, तो यहाँ हम लिखेंगे सी एच डबल ई के चिक। सी के बाद क्या आएगा? डी। डी वाला है कोई वर्ड? नहीं है। डी के बाद ई, तो ई वाला कोई वर्ड? यस आई, तो नेक्स्ट इज आई, ई वाई ई आई। नेक्स्ट ई के बाद क्या आता है? एफ, तो एफ वाला कोई वर्ड? यस फुट, तो एफ डबल ओ टी फुट। नेक्स्ट एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं, जे नहीं है, के नहीं है, एल ओके, एल वाला लेग, एल ई जी लेग, तो यहाँ हम लिखेंगे एल ई जी लेग ओके। एल के बाद एम, एम वाला है कोई? ये रहा माउथ, एम ओ यू टी एच माउथ, हम लिखेंगे माउथ, एम ओ यू टी एच माउथ ओके। एम के बाद क्या आता है? एन, एन वाला कोई वर्ड? ये रहा नेक, एन ई सी के नेक, तो हम लिखेंगे एन ई सी के नेक। अब लास्ट एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, ये रहा एस वाला स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। यह देखो यहाँ से देखो, फर्स्ट से हम देखते हैं तो ये अल्फाबेटिकल, जैसे ए, ए के बाद बी नहीं है, सी फिर डी ई, ई वाला ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस वाला आ गया। तो इस तरह से हमें अरेंज करने हैं। नेक्स्ट है रामू, द फ्रूट सेलर वांट्स टू अरेंज हिज बास्केट ऑफ फ्रूट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हेल्प हिम। यहाँ पे जो रामू है वो फ्रूट सेलर है, वो अपने जो फ्रूट्स के जो बास्केट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहता है। जैसे कि ये ग्रेप्स है, पियर्स है, एप्पल्स है, ऑरेंजेस, बनानास, मैंगोज, चिकूस और फिक्स, इसको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहता है। तो इन सब के स्पेलिंग भी दिए हुए हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करने जाएंगे तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ए से स्टार्ट होता है एप्पल्स, तो यह एप्पल्स दिया हुआ है। ए के बाद क्या आता है? बी, तो बी का स्पेलिंग है बनाना, बी से स्टार्ट होता है बनाना, तो हम यहाँ लिखेंगे बी ए एन ए एन एफ एस बनाना। बी के बाद क्या आता है? सी, तो सी वाला एरा वर्ड चिकूस, तो लिखेंगे चिकूस सी एच आई सी के डबल ओ एस चिकूस। और सी के बाद क्या आता है? डी वाला कोई है? नहीं है। ई वाला? नहीं है। एफ वाला? एरा फिक, तो यहाँ लिखेंगे फिक्स एफ आई जी एस फिक्स। अब एफ के बाद क्या आएगा? जी। जी वाला है एरा ग्रेप्स, तो G R A P E S grapes। G के बाद H वाला नहीं है, I वाला नहीं, J
नहीं है के, नहीं है एल, नहीं है एम, एम वाला मैंगोस, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगोस, एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोस। एम के बाद एन नहीं है, ओ ओ का ऑरेंजेस, तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई एस। नेक्स्ट ओ के बाद पी, तो पी वाला पियर्स, तो पी ई ए आर एस पियर्स। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ए से बी सी, फिर ई नहीं है एफ जी एच आई जे के एल, इतने वर्ड लेटर नहीं है तो एल, फिर एम आता है तो मैंगोस, एन नहीं है ओ है तो ऑरेंज, पी है तो पियर्स। इस तरह से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। थैंक यू।